हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नविता क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, एक भाई थे, उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी आप अपना नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर कीजिएगा। सो चलिए, आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरी जो किचन है वो अनफर्निश्ड किचन है, नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो इसको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना और मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा फैल जाती है ये। तो एवरी नाइट मैं किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। तो चलिए शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ अपना रूटीन। सो आप देख रहे हैं क्लीनिंग से पहले मेरी किचन का हाल क्या हो रखा है, पूरी तरह से फैली हुई है। टाइम की मैं बात करूँ तो लगभग 8:30 का ये टाइम है और मैं आ गई हूँ अपनी किचन में अपना काम समेटने के लिए। तो सबसे पहला जो काम होता है वो तो बड़े बड़े बर्तनों को खाली करना होता है। जो भी कुछ बच जाता है, सब्जी हो, आटा हो, दाल चावल, जो भी होता है, तो उनको मैं पलटा दूँगी छोटे छोटे बाउल्स में। आज मैंने गाजर आलू बनाए थे सिंपल से, तो थोड़ी सी बची है, आधा पौना कटोरी सब्जी, सो मैंने उसको पलटा दिया है छोटे से बाउल में, इस येलो वाले बाउल में। थोड़ी सी आज दिन में खिचड़ी बनाई थी तो वो भी बच गई थी, तो उसको भी बस पलटा दिया है और सारे बर्तन मैं कर दूँगी खाली। आटा भी रख दिया है, तो आटा, खिचड़ी और सब्जी बच गई थी, इसको मैंने पलटा के रख दिया है। और साथ के साथ बर्तन मैं डालती जाती हूँ सिंक वाली एरिया में। इधर दूध पका के रखा था, तो उसको भी, वो भी रूम टेम्परेचर पे आ गया है। और यहाँ पे अब सारी चीज़ें मुझे रखनी है फ्रिज में। तो मैंने फ्रिज खोली ना, तो इसमें जो फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र हैं छोटे वाले हैं मेरे पास, इसमें कुछ सामान था जो कि मतलब अब यूज़ नहीं होगा, लाइक एक दो चीज़ें सूख गई हैं, तो मेरी नज़र उन पर पड़ी तो मैंने उनको भी उसमें से निकाल दिया। तो इस टाइम पर फ्रिज में, क्योंकि मेरी छोटी फ्रिज है आप देख पा रहे हैं, इसमें ना सामान बहुत मुश्किल से रखा जाता है, तो जो थोड़ा बहुत सामान एक्स्ट्रा होता है उसको निकाल देती हूँ और जो चीज़ें इधर उधर होती हैं पहले उनको सही से लगा देती हूँ और फिर उसके बाद में जितना भी सामान होता है रखना होता है उसको मैं रख देती हूँ, लाइक दूध का भगोना। आज मैंने मलाई का भगोना भी निकाल के बाहर रख दिया था कि मुझे उसको लगाना था, फिर बस किसी दूसरे कामों में लगी रही तो वो मैं लगा नहीं पाई, तो फिर उसको भी मैंने अभी उसको फ्रिज में ही रख दिया है। और यहाँ पर ना एक शिमला मिर्च और एक छोटा सा करेला इसमें पड़ा था, दो चार मिर्ची विर्ची थी जो सूख गई थी, तो उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया और उनको धुल के रख दिया साइड में साथ के साथ बास्केट, ताकि वो सूख जाएंगी, फिर कल मैं उनको उसमें कुछ चीज़ें भर के, लाइक नींबू, अदरक, हरी मिर्ची, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उसमें आ जाती हैं और ईजीली उसमें रख देते हैं। सो चलिए, और यहाँ पर सारा सामान मैंने साफ करके, सॉरी, हटा के डाल दिया है सिंक में धुलने वाला, जो फ्रिज में रखने वाला है वो फ्रिज में चला गया है अपने प्रॉपर प्लेस पे। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक सूखा कपड़ा और उससे सबसे पहले तो गैस स्टोव को और किचन काउंटर टॉप को मैं झाड़ दूँगी अच्छे से, क्योंकि कुछ भी जैसे रोटियाँ बनाते हैं आटा वाटा होता है या तड़का लगाते टाइम पे कुछ छींटे भी आ जाते हैं, तो जो भी मोटा मोटा होता है वो सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। और उसको हल्का फुल्का सा क्लीन करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपनी सिंक में, क्योंकि सिंक मेरी भर चुकी है। सो सबसे पहले मैं करती हूँ बर्तन साफ़, और ना बोलते हुए आप लोग फील कर पा रहे होंगे मेरी सांस चढ़ रही है, तो ये थोड़ा अभी मेरे को मेडिकल इशू हो रखे हैं तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, सो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। तो चलिए, इसके बाद यहाँ पर मैं फटाफट से पहले बर्तन साफ़ करके ना साइड में लगा देती हूँ और उसके बाद फिर आगे का काम करती हूँ, क्योंकि इतने जो बर्तन दूसरा काम करूँगी तब तक जो बर्तनों का पानी है वो निकल जाता है। तो रात में ना बर्तनों के साथ ही जो किचन गैस स्टोव के अटैचमेंट होते हैं, जो रिंग्स होती हैं, स्टैंड होता है, उनको भी मैं अच्छे से स्पॉन्ज के हल्के से साफ़ कर देती हूँ, ताकि उनमें तड़के वड़के का कुछ उबल जाए या छीटे वीटे का जो भी ग्रीसी हो वो साफ़ हो जाएगा। तो एवरी नाइट मैं ये कर देती हूँ, दिन के टाइम में मैं बस कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ और इनको अच्छे से धुल देती हूँ, तो यही होता है रोज का। तो यहाँ पर देखिए सारे बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं। उसके बाद जो ये किचन वेस्ट है इसको मैं निकाल देती हूँ। ये एक छोटा सा एक्चुअली ये था स्टैंड था, स्पून और जो बड़े बड़े स्पैटुला होते हैं कड़छूरमचा रखने का, तो ये ऊपर से ढकती हूँ तो मैं ढके नहीं बनता है, तो इसमें ना मैं पन्नी लगा के रख देती हूँ और इसमें किचन वेस्ट कलेक्ट हो जाता है।
और उसके बाद जो बर्तन साफ़ करने वाला जूना होता है ना, उसी पे थोड़ा सा विम वाला प्रोडक्ट लगा के मैं अपने गैस स्टोव को अच्छे से उसको उसके ऊपर लगा देती हूँ, ताकि उस पर कोई भी चिकनाई वगैरह जो भी है वो साफ़ हो जाए, ग्रीस एरिया ना रहे। और नीचे जो काउंटर टॉप है, बैक वॉल है, उस पर भी मैं अच्छे से विम लगा देती हूँ। और स्पॉन्ज ही मैं यूज़ कर लेती हूँ जो मेरे बर्तन साफ़ करने वाला होता है, उसी से तो बस एक बार अच्छे से लगा देते हैं, तो जो भी छींटे वीटे होते हैं पूरे दिन के, वैसे तो हाथ के हाथ साफ़ हो जाते हैं लेकिन फिर भी चिकनाई रह जाती है ना, तो वो अच्छे से निकल जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है, ये मेरा किचन क्लॉथ है, इसकी हेल्प से मैं बार बार इस पर धुल धुल के 2 से 3 बार अच्छे से साफ़ कर दूँगी। 2 कपड़े मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, तो दोनों से मैं कर देती हूँ। पहले अपने गैस टॉप को कर दूँगी, उसके बाद नीचे काउंटर टॉप को, और फिर उसके बाद इसकी बैक वॉल को। तो यहाँ पर मेरे पास ये सिंपल से किचन क्लॉथ हैं, आप चाहें तो जो किचन वाइप आते हैं, स्कॉच ब्राइट के नाम से आई थिंक आते हैं, मैं यूज़ नहीं करती हूँ हाँ, तो स्कॉच ब्राइट वाले जो वाइप आते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास वो नहीं है। तो मैं इन्हीं कपड़ों को 2 से 3 बार अच्छे से धुल धुल के, निचोड़ के, और इनसे अच्छे से सफाई कर देती हूँ। एकदम से गैस स्टोव प्लेटफॉर्म एकदम चमक जाता है, इनसे भी थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है, शायद उससे ईजी पड़ता होगा क्योंकि वो एकदम से सूखा सूखा साफ़ करता है, पर इसको अच्छे से निचोड़ के हम साफ़ कर लेते हैं तो इससे भी अच्छे से हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए गैस स्टोव मेरा अच्छे से हो गया है क्लीन। उसके बाद जो भी इसके अटैचमेंट थे उनको भी कपड़े से साफ़ करके पोंछ के मैंने इस पर लगा दिया है, तो ये अच्छे से हो गया है। और फाइनली एक बार और अपने दोनों कपड़ों से मैं इनको पूरी एरिया को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और ये एकदम बिल्कुल हो जाएगा शाइनी नीट एंड क्लीन। टना मेरा जो हाफ काउंटर टॉप है गैस टॉप एरिया वाला, वो हो गया है बिल्कुल अच्छे से साफ। और इस बीच हमारे जो बर्तन रखे थे साइड में, उनका भी पानी अच्छे से निकल गया है, तो बस फटाफट से अब इनको लगा दिया है स्टैंड में। स्टैंड को मैंने यहीं पे फिक्स किया हुआ है खिड़की की हेल्प से, थोड़ा उसको बांध बांध के। सो बस बर्तनों को हटाने के बाद अब मैंने यहाँ पर लिया है जो स्टील वाला स्क्रबर आता है, जूना आता है, उस पर थोड़ा सा विम लगा लिया है, और उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे अच्छे से घिस दूँगी। जितने भी ये टैप वगैरह हैं इनको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और उसके बाद ग्लास में पानी भर भर के अच्छे से साफ़ कर दूँगी इस वाली एरिया को। और जब हमारा साबुन वाला विम वाला प्रोडक्ट साफ़ हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर से लूँगी अपने ये किचन क्लॉथ, और इसकी हेल्प से इस वाली एरिया को अच्छे से सुखा दूंगी। 1 से 2 बार धुल धुल के अच्छे से हो जाएगा ये, तो ये वाला जो एरिया है ये भी अच्छे से चमक जाएगा। अच्छे से क्लीन हो गया है, और लास्ट में जो हमारी किचन क्लॉथ है इनके ऊपर मैंने थोड़ा सा विम डाल दिया है, और इनको हाथ से इस तरह से मल के और मैं पानी से धुल के इनको टांग दूंगी, सुबह तक ये सूख जाएंगे। तो एक दिन मैं ऐसे ही धो देती हूँ, और एक दिन इनको थोड़ा सा गर्म पानी में भी हो के प्रॉपर साबुन से धो देती हूँ, तो इसमें जो भी स्मेल वगैरह ऐसी कुछ नहीं आती है, और चिकनाई भी निकल जाती है इसकी, तो अच्छे से हो जाते हैं। सो बस देखिए यहाँ पर ये हो गया है फाइनली। एक बार और जो छींटे आ गए हैं इसको धुलते टाइम पर उसको कर दूँगी साफ़, और इसको बस साइड में रख दूंगी, तो सुबह तक ये हो जाएगा। और ये मेरी सामने वाली विंडो है, यहाँ पे एक दो चीज़ें रखी रहती हैं लाइक स्पून होल्डर, एक फ्लावर पॉट, बच्चे की वाटर बॉटल, उस पर भी मैं हाथ लगा दूंगी। और ये जो मेरा किचन वेस्ट कलेक्टर है, इसके क्योंकि मैंने आज धुला है ना, तो इसमें मैं आज सुबह में पन्नी लगाऊंगी, क्योंकि आज इसमें ना थोड़ा लिक्विडी सा हो गया था, अदरवाइज़ मैं इसमें निकालती हूँ और साथ के साथ पन्नी लगा देती हूँ। तो चलिए आज मैं उसको सुबह कर दूँगी।
और ऊपर अच्छे से क्लीन करने के बाद में जो मेरे स्लेब के नीचे वाला एरिया है, अगर ये फैला होता है तो मैं इसको थोड़ा बहुत मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए अनफर्निश्ड है, यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं कबर्ड वगैरह, तो इस तरह से मैंने अरेंज किया हुआ है, एक दो जाली वगैरह, तो डब्बे वब्बे उठाते हैं तो कभी कभी जल्दबाजी में इधर उधर रखे जाते हैं, तो बस यहाँ पर मैं एक दो चीज़ें जो हो जाती हैं उनको कर देती हूँ मैनेज साथ के साथ, तो बस अच्छे से बन पड़ता है। और यहाँ पर ना मुझे पटरी की ज़रूरत पड़ती है, मेरा जो ये है ना किचन टॉप, ये मतलब थोड़ा हाइट पे है मेरे से, थोड़ा ज़्यादा हाइट पे है, तो मुझे पटरी की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, इसलिए ये पटरी यहाँ पे रखी रहती है। और सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद में लास्ट में मैं लगा देती हूँ वाइपर, तो बस मैं किचन वाली एरिया में ही लगाती हूँ, पूरे में नहीं लगाती, ताकि अच्छे से साफ़ मिले। जब सुबह सुबह उठते हैं किचन बिल्कुल साफ़ मिलती है, तो फिर काम करने का भी मन आता है पॉजिटिविटी के साथ में। और किचन फिनिश हो जाती है क्लीन, और अगर मुझे नेक्स्ट डे के लिए कुछ करना होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए कुछ तैयारी करनी होती है, तो मैं कर देती हूँ। लाइक कभी कभी जैसे कि मोटी दालें होती हैं, छोले, राजमा, उड़द, चना, अगर इस तरह का कुछ बनाना का प्रोग्राम होता है नेक्स्ट डे, तो मैं उसको भिगा के रख देती हूँ। जैसे कि कल मुझे छोले बनाने हैं, तो यहाँ पर मैंने चने भिगो दिए हैं एक भगोने में, और उसके बाद मैंने लिया है एक बाउल, उसमें डाला एक गिलास पानी, और इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन। ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक हो जाएगा, तो मैं रात में भिगा के रख देती हूँ और सुबह में इसको पका के हम लोग पी लेंगे। तो ये होता है जो भी अगले दिन के लिए कुछ खास करना होता है तो इस टाइम पे कर देते हैं क्लीनिंग के बाद में। सो ये होता है मेरा एवरी नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन, जो कि मैंने आप लोगों के साथ किया आज शेयर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो अगर किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए मेरी किचन हो गई है बिल्कुल चमकदार, साफ सुथरी। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का किचन क्लीनिंग रूटीन। चलिए अभी के लिए लेते हैं आपसे बाय बाय, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, गुड नाइट।